मैं आपके सामने उपस्थित हूँ लेकर के आपको मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हम लोग जानेंगे, शुरू से हम लोग जानेंगे कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होते हैं, है ना। तो ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम आपको चैप्टर नंबर 3 हम लोग पढ़ने वाले हैं। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगती हो तो सब्सक्राइब करना ना भूले। तो देखते हैं, तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को हम लोग जनरली, मैं क्या कहता हूँ जनरली शॉर्ट में क्या कहता हूँ, MRS कहता हूँ। एक बात ध्यान दीजिएगा, यानी कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अगर कोई भी ह्यूमन है तो ह्यूमन में क्या होते हैं कि मेल में आपको जनरली उसमें क्या होते हैं, 3 पार्ट होते हैं, ओके, 3 भाग होते हैं। तो जैसे कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में 3 चीज़ रहते हैं, क्या क्या रहते हैं, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होते हैं, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन होते हैं और एक्सटर्नल मेल जेनिटेलिया आपको होते हैं, ओके। तो आइए, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या है। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन वो होते हैं जो क्या करते हैं, गैमेटोजेनेसिस परफॉर्म करते हैं और हार्मोन्स को सिक्रीट करते हैं, उसे क्या कहते हैं, डैट इज प्राइमरी सेक्स ऑर्गन के नाम से जानते हैं। जैसे आपको एग्जाम्पल में आपको क्या हो जाएगा, मेल में क्या होगा, टेस्टिस होगा या ओवरी होगा, डैट इज टेस्टिस होगा। टेस्टिस कहाँ पे पाया जाएगा, स्क्रॉटम में पाया जाएगा, यानी कि एब्डोमेन के आउटसाइड पाया जाएगा, ओके, एब्डोमेन के आउटसाइड यानी कि एक्स्ट्रा एब्डोमिनल कहा जाएगा। तो आपको एग्जाम्पल में मैं लिख देता हूँ यहाँ पे टेस्टिस, एक ये टेस्टिस दिखाता है, एक ये टेस्टिस दिखाता है, अंतर दोनों में कितना है, ये आपका सिंगुलर है और ये आपका प्लूरल है, ओके। तो हमेशा बात पर हमेशा ध्यान देने वाली बात है, ओके। तो आगे की ओर बढ़ते हैं, ये सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन है। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन क्या है हमें देखनी है, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। तो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन जो होते हैं, यानी कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन हमें, हमने उन्हें कहा जो क्या करते थे, आपको गैमेटोजेनेसिस करते थे, यानी कि गैमेट को क्या करते थे, बनाते थे, ओके, फॉर्म करते थे, या तो और क्या करते थे, सिक्रीशन करते थे, सिक्रीशन ऑफ हार्मोन। मतलब कि आपको हार्मोन का क्या करते हैं, वो सिक्रीशन भी करते हैं। तो जनरली जो टेस्टिस होते हैं वो गैमेट भी बनाते हैं, यानी कि स्पर्म सेल बनाता है, और आपको हार्मोन का भी क्या करता है, वो सिक्रीशन करता है। यानी कि सिक्रीशन किसे कहते हैं, जब कोई बॉडी पार्ट से, बॉडी में हमारा कोई आपको ऑर्गन है, वहाँ से कोई केमिकल्स है बायोमोलिक्यूल्स के फॉर्म में एक जगह से दूसरे जगह निकल करके गया शरीर के अंदर ही अंदर, तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाने की प्रोसेस को सिक्रीशन के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर हार्मोन का सिक्रीशन होगा, ओके, कि किस चीज़ का सिक्रीशन होगा, हार्मोन का सिक्रीशन होगा। अब आइए हम लोग देखते हैं सेकेंड में, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन पढ़ते हैं। तो जो आपको जैसे कि स्पर्म सेल बाहर निकला, तब उसको आगे ले जाने में जो मदद करेंगे या कोई अलग फंक्शंस होगा, ओके, तो जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन नहीं है, बर्क है, उससे अलग हट करके बर्क होगा, फंक्शंस होगा, उसे क्या कहेंगे, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन के नाम से जानेंगे। यानी कि कुछ अलग फंक्शंस होगा, एक्स्ट्राऑर्डिनरी फंक्शंस होगा, लेकिन वो क्या करेंगे, कभी भी हार्मोन सिक्रीट नहीं करेंगे, ना तो गैमेटोजेनेसिस करेंगे, ना तो ये क्या करेंगे, ना तो गैमेटोजेनेसिस करेंगे, ना तो ये आपको गैमेटोजेनेसिस करेंगे, यानी कि ना गैमेट बनाएंगे, ना आपको क्या करेंगे, हार्मोन का क्या करेंगे, सिक्रीशन करेंगे, सिक्रीशन ऑफ हार्मोन भी ये नहीं करेंगे, ओके। तो ये दोनों काम इनके थ्रू नहीं होगा, ओके। तो जैसे एग्जांपल में तुम्हारा क्या चला जाएगा, कौन कौन आपको सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन कहलाएंगे, तो आपको टेस्टिस जो है, टेस्टिस आपको जो जोड़े रखता है, टेस्टिस के अंदर अगर चले आते हैं, वास इफ्रेंसिया से ही आपको क्या होता है, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन कहलाता है। तो वास इफ्रेंसिया मैं जब फिगर बनाऊंगा पिक्टोरियल तो समझ में आएगा। तो वास इफ्रेंसिया, उसके बाद जहाँ पर आपको स्पर्म स्टोर होगा, उस हाउस को कहते हैं आपको इपीडाइडमिस कहते हैं, क्या कहते हैं, इपीडाइडमिस के नाम से जानते हैं। उसके बाद भाषा डिफरेंसिया, उसके बाद आपको इजैकुलेटरी डक्ट और कुछ होते हैं एसोसिएटेड ग्लैंड भी होते हैं। एसोसिएटेड ग्लैंड में कौन कौन होते हैं,
आपको तीन ग्लैंड होते हैं, ओके। जैसे तीन ग्लैंड में कौन कौन एसोसिएटेड ग्लैंड का एग्जाम्पल है, जैसे आप पढ़े होगे, एक हम लोग पढ़ेंगे, सबसे पहले सेमिनल वेसाइकिल आता है। क्या आता है? सेमिनल वेसाइकिल। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे डैट इज आपको प्रोस्टेट ग्लैंड, ओके। उसके बाद हम लोग जनरली हम लोग बताएंगे आपको डैट इज बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, यानी कि ये तीन ग्लैंड है। इस ग्लैंड को दूसरा नाम है आपको कॉपर ग्लैंड है, ओके। कितने तरीके के ग्लैंड? आपको तीन तरीके के ग्लैंड, वन ये आपका सेकेंड और ये आपका तीसरा ग्लैंड हुआ, ओके। तो ये हुए आपके सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन आपको कहलाएंगे। आपको यूरेथ्रा भी आपको उसी में आएगा, नेक्स्ट में यूरेथ्रा भी आपको सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में। नेक्स्ट में यहाँ पर अगर एग्जांपल में देखते हैं, एक्सटर्नल मेल जिनिटिलिया यानी कि शरीर के बाहर होगा। ये सब जितने पार्ट्स हैं आपको शरीर के अंदर होंगे जनरली अगर देखा जाए तो। एक्सटर्नल जो मेल जिनिटिलिया है, मेल जिनिटिलिया आपको जैसे कि कौन आपको पेनिस, जो आपको कॉपुलेशन में क्या करेंगे, हेल्प करेंगे, ओके। तो डैट इज क्या कहलाएगा आपको, डैट इज जो बाहरी जो पर्जन्य भाग जो होगा आपका शरीर में, मानव के नर भाग में, ओके, नर प्रजनन तंत्र में, उसे क्या कहेंगे, पेनिस के नाम से जानेंगे। पेनिस आपको क्या करेगा, स्पर्म को इजैकुलेट करने में, यानी कि स्पर्म और फ्लूड जो दोनों मिला रहेगा तो उसे सीमेन कहते हैं। सीमेन को इजैकुलेट करके यानी कि स्टोर करने में आपको वजाइना में हेल्प करेगा, उस प्रोसेस को इनसेमिनेशन कहते हैं, ओके। और मैं एडिशनल टर्म में, इंपॉर्टेंट टर्म्स में मैं बता दिया हूँ इनसेमिनेशन क्या है। जब आपको सीमेन आपको फीमेल वजाइना में क्या होगा, आपको वहाँ पर पहुँचा दिया जाएगा, तो उसे क्या कहते हैं, इनसेमिनेशन कहा जाता है। तो जनरली हम लोग सबसे पहले डिस्कस करेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में टेस्टिस का स्ट्रक्चर। तो टेस्टिस का जो स्ट्रक्चर है, मैं आपको सेक्शंस काट करके मैं एक वीडियोस में आपको बना दिया हूँ, अगर आपको देखनी है तो उस पर लिंक करें, है ना, स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस मानो ट्यूटोरियल लिखेंगे आ जाएगी, ओके। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं पूरे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का हम डायग्राम बनाने वाले हैं जिसमें सभी एक्चुअली आएंगे, ओके। तो मैं डायग्राम बनाने वाला हूँ, किस तरीके से डायग्राम बनाया जाता है उसे आप शांति से देखेंगे। और अगर डायग्राम बनानी हो खुद भी तो प्रयास करेंगे। जैसे हम लोग जो डायग्राम जो बनाते हैं, यहाँ पर क्या है कि आपको मैं बना देता हूँ, यहाँ पर ये आपको मैं यूरिनरी ब्लैडर बना देता हूँ। यूरिनरी ब्लैडर में क्या है, ये आया आपको क्या, डैट इज आपको यूरेटर आया। ये क्या है, ये आपका यूरेटर है, डैट इज यूरेटर है। इधर से भी आया, डैट इज दो यूरेटर हैं, ये आपका यूरिनरी ब्लैडर है। नीचे की ओर क्या होगा, ये ओपन होगा इस तरीके से, इसे यूरेथ्रा कहेंगे, ओके। आपको यहाँ पर वगैरह वगैरह आपको क्या होंगे, स्पिंक्चर होंगे, एक्सटर्नल स्पिंक्चर, इंटरनल स्पिंक्चर होंगे, और इस तरीके से मैं मिटा देता हूँ। एक इधर की मैं ट्यूब निकालता हूँ, उसी तरीके से मैं इधर की ओर ट्यूब निकालता हूँ, क्योंकि आपको टेस्टिस क्या होते हैं, दो होते हैं, और जनरली मैं यहाँ पर क्या बना देता हूँ, प्रोस्टेट ग्लैंड बना देता हूँ, ओके। ये आपका हो गया, आपका प्रोस्टेट ग्लैंड हो गया। इसमें अच्छी तरीके से क्या करता हूँ, कलर कर देता हूँ, ओके।
अब इधर की ओर क्या होगा, एक बैग लाइक का स्ट्रक्चर होगा, उस बैग लाइक का स्ट्रक्चर को क्या कहेंगे आपको, क्या कहा जाएगा, सेमिनल वेसाइकल कहा जाएगा। इधर भी वैसा ही होगा, इस तरीके से होगा। उसके बाद क्या करते हैं हम, जनरली ये क्या होता है आपको फीटस में ये डिसेंड करता है इन्ग्विनल कैनाल के थ्रू, इस तरीके से मैं आगे बढ़ाऊंगा और ब्रॉड करते हुए नीचे की ओर पतला कर दूंगा और चाहूंगा आगे की ओर इस तरीके से जाए। जनरली फिगर इस तरीके का होता है। और ये आपका क्या होगा, इसमें टेस्टिस होगा, टेस्टिस का लेयरिंग होगा। आपको स्क्रॉटम आपको एक फाइबर नुमा स्ट्रक्चर से जुड़ा रहेगा जो विंटर सीजन और समर सीजन में क्या होगा, इसका लेंथ कभी बढ़ेगा कभी घटेगा। ये आपका एक लेयर होगा, यहाँ पर काफ़ी फ्लूइड्स वगैरह भरे पड़े रहेंगे जो आपको टूनिका वेजनालिस के नाम से क्या होंगे, जाने जाते हैं। उसके बाद इधर की ओर मैं मूव करता हूँ तो जस्ट इधर एक साइड में फिगर बनाया तो उस तरफ भी वैसा ही होगा। ये प्रीप्यूस होगी, ओके, और ये बहुत सारा एपिथेलियम टिश्यू पाए जाएंगे। यहाँ पर क्या होंगे, दो आपको ग्लैंड होंगे, एक ग्लैंड होंगे एयर फॉर्म में, ओके, इस तरीके से। और मैं कुछ बना देता हूँ, ये आपको कितने कंपार्टमेंट में बटे होते हैं, लगभग कैजुअली 250 कंपार्टमेंट में बटे होते हैं। इस तरीके से। और यहाँ पर ब्लड वेसल्स वगैरह रहते हैं, कैपिलरीज वगैरह, जो टूनिका वैस्कुलोसा को बनाते हैं।
ये आपका वासाइफ्रेंसिया हुआ, वासाइफ्रेंसिया, आपको रेटेड टेस्टिस, उसके बाद स्टेथ ट्यूब्यूल रहेगा, उस पर क्या होगा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होंगे। इस तरीके से प्रत्येक में होंगे, भरे पड़े हुए होंगे। ओके, तो हम लोग जब लेबलिंग करते हैं इसमें तो आपको यूरिन भरा पड़ा रहेगा। ओके, ये आपका पेनिस है, ये अंदर का पार्ट है, डेट इज ग्लांस, पेनिस होगा। ये आपको डैट जो ग्लैंड है उसे क्या कहेंगे, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड कहेंगे या तो बर्थोलियन, सॉरी बर्थोलियन नहीं कहते मेल में, क्या कहते हैं कॉपर ग्लैंड कहते हैं। ओके, नेक्स्ट और हम लोग देखते हैं, ये आपका है सेमिनल वेसाइकल, ये जो ट्यूब है ये डक्ट ऑफ, इसका ट्यूब है तो ट्यूब को डक्ट देते हैं नाम, तो डक्ट ऑफ सेमिनल वेसाइकल कहा जाएगा। ओके, ये आपका इजैकुलेटरी डक्ट है, ये आपका प्रोस्टेट ग्लैंड है, सबसे बड़ा ग्लैंड होता है। ये जो यूरेथ्रा है इस पार्ट को कहेंगे कौन सा यूरेथ्रा, प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा। ये जो यूरेथ्रा है इस यूरेथ्रा को कहा जाता है मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा। इस यूरेथ्रा को कहा जाता है, पेनिस के पास रहता है उसे पिनाइल यूरेथ्रा। ये आपका थोड़ा सा ब्रॉड पार्ट है, ये आपका है ग्लांस पेनिस, जनरली ये इसे कहा जाता है, इसे लाइनिंग ऑफ ग्लांस पेनिस कहा जाता है। क्या कहा जाता है, लाइनिंग ऑफ ग्लांस पेनिस, जहाँ पर टिश्यू होते हैं। ओके, एपिथेलियम टिश्यू, ये उभार लाइक संरचना है, मस्कुलर कॉर्पस स्पॉन्जियोसम फैल जाता है जिससे ढका हुआ है, इस स्किन को हम लोग क्या कहते हैं, फोर स्किन के नाम से पुकारते हैं, या तो दूसरी भाषा में प्रीप्यूस भी कहते हैं जो यूरेथ्रा को ओपन और क्लोज करने में मदद करता है। ये यूरिनरी ब्लैडर के पास आपको स्पिंचर है और यूरेथ्रा के पास है, इसीलिए इसे यूरेथ्रल क्या कहेंगे, स्पिंचर कहेंगे। ओके, तो ये मैंने बता दिया इजैकुलेटरी डक्ट है। ओके, ये डक्ट ऑफ सेमिनल वेसाइकल है, ये सेमिनल वेसाइकल है मैंने लिखा इधर, ये जो है ये जो ट्यूब, इस ट्यूब को क्या कहते हैं, वास डिफरेंसेस कहते हैं, वासा डिफरेंसिया के नाम से पुकारते हैं। इसमें स्टेरोसीलिया प्रेजेंट होते हैं, ये जो होते हैं काफ़ी आपको क्या होते हैं, इस तरीके से काफ़ी क्वाइल्ड होते हैं आपको एपिडाइडमिस। ये आपका स्क्रॉटम है,
ये आपका एपिडाइडमस है, ये एपिडाइडमस का अपर सेक्शन से है जिसे कापट कहा जाता है, ये बीच का सेक्शन से है जिसे कापस कहते हैं, और ये नीचे का सेक्शन से है जिसे कावड़ा कहा जाता है। ये जो है जिससे स्क्रॉटम जो है टेस्टिस को जोड़े रखे है इसे क्या कहते हैं, गुबरना कूलम कहा जाता है। ओके, गुबरना कूलम कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट है ये टूनिका भेजनालसिस है। तीन लेयर होते हैं टेस्टिस में टूनिका भेजनालसिस। टेस्टिस पर जो लेयर होता है वो होता है टूनिका अल्बू, जीनिया, एक जो कैपिलरी वाला होता है मैंने बताया था उसे कहा जाता है टूनिका भैस्को लोसा। ये आपको भासी फ्रेंसिया हुआ, ये आपको रेटे टेस्टिस हुआ, ये स्ट्रेट टिब्यूल हुआ, आपको देखने में मिल जाएगा है ना। जब आप टेस्टिस का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, ये आपका सेप्टम हुआ, 250 स्ट्रक्चर होता है, 250 में बटा रहता है। ओके, ये आपका सेमनीफेरस टिब्यूल हुआ जहाँ पर क्या होता है स्पर्म बनता है, सेमनीफेरस टिब्यूल, इसे यूनिट भी कहा जाता है। तो मैंने इतना बनाया, ये हुआ जनरली बन करके तैयार हुआ आपका मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम बन करके तैयार हुआ। ठीक है, तो ऐसा नहीं है, तो जब भी डायग्राम बनाते हैं तो नीचे में कैजुअली लिखा जाता है डायग्राम, डायग्राम ऑफ मेल, है ना। मेल में किसका, कैट का, डॉग का, ह्यूमन का, तो मेल ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ओके, तो इस तरीके से आइए अब हम लोग समझते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कहां पर क्या होता है। ओके, तो कैजुअली हमें समझनी है तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कहां पर क्या होती है, तो जनरली हमें ध्यान देने वाली बात है, तो आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, आपको सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, ये आपको टेस्टिस में देखते हैं तो तीन लेयर होते हैं, प्रोटेक्टिव कवरिंग होते हैं। जैसे सबसे बाहर का ये है, ये आपको टूनिका, आपको क्या है, डैट इज वेजिनालसिस कहा जाता है। ओके, जो गद्देदार रहता है इसमें फ्लूड भरे रहते हैं, कसन गद्देदार होता है, शॉक प्रेशर झटका काफ़ी ज़्यादा आपको दबाव से आपको क्या करता है, बचाता है। ये जो हुआ एक्स्ट्रा एब्डोमिनल पार्ट है, ये स्क्रॉटम हुआ जो हम लोग के आपको डैट इज पेल्विक हिस्से के नीचे है, मतलब कि एक्स्ट्रा एब्डोमिनल है। किसी किसी में आपको टेस्टिस क्या होते हैं, जैसे हम लोगों में टेस्टिस कब नीचे की ओर गिरता है, डिसेंड करता है, आपको फीटस में डिसेंड करता है। ओके, जब फीटस टाइमिंग होती है तभी आपको नीचे की ओर लूज होता है। ओके, तो लव अबाउट आपको 7 मंथ में ये ऐसा देखने को मिलता है। उसके बाद अगर देखें हम आगे की ओर बढ़ते हैं, तो जनरली जो एक कैनाल के थ्रू ये आपको नीचे की ओर गिरता है, उस कैनाल को हम लोग क्या कहते हैं, उस कैनाल को हम लोग कहते हैं इनग्विनल कैनाल के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं, इनग्विनल कैनाल। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि इस कैनाल के थ्रू सिर्फ ये भाषा जो है डिफरेंसिया गया हुआ है ना। इसके थ्रू हम लोग देखते हैं स्पर्मेटिक कॉर्ड भी होता है। स्पर्मेटिक कॉर्ड में क्या होते हैं, नर्व्स वगैरह होते हैं, आर्टरी होते हैं, ओके, वेन होते हैं, है ना। तो एक स्पर्मेटिक कॉर्ड का भी आपको गया हुआ रहता है। ठीक है, आगे की ओर मैं बताऊं तो ध्यान देना है, ये आपको ये जो सेक्शंस है यहाँ पर, ये टूनिका भेजिनालोस आपको क्या है, डैट इज़ टूनिका आपको डैट इज भेजिनालसिस है। इस पार्ट में आपको काफ़ी कसन लाइक देखने को मिलता है, कसन नुमा होता बना देता है।
क्यों? क्योंकि इसमें फ्लूइड भरा पड़ा रहता है। दूसरा है टेस्टिस का ये कवरिंग, आउटर कवरिंग। टेस्टिस के आउटर कवरिंग को क्या कहा जाता है? टूनिका अल्बुजिनिया, जो मिडिल लेयर होता है, मिडिल प्रोटेक्टिव कवरिंग होता है। एक अंदर का और जो कवरिंग होता है ये कैपिलरीज वगैरह होता है। ये कैपिलरीज क्या करता है? आपको ब्लड वेसल्स के थ्रू आपको सप्लाई करता है, ब्लड को सप्लाई करता है, न्यूट्रिशंस को सप्लाई करता है। ये टेस्टिस जो है, ये टेस्टिस पूरा है जो आपको स्क्रॉटम से जुड़ा हुआ है। स्क्रॉटम से ये फाइब्रस पार्ट से जुड़ा हुआ है। इस फाइब्रस पार्ट को गुबर्नाकुलम के नाम से जानते हैं। गुबर्नाकुलम जनरली क्या होता है? टेम्परेचर के बिलोंग काम करता है। अगर मान लेते गर्मी का दिन है तो टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो इसका जो साइज है मतलब कि ये रिलैक्स हो जाएगा। जब विंटर सीजन आएगी तो ये क्या होगा? धीरे 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 सिकुड़ जाएगा। इसके कारण जो है आपको स्क्रॉटम का शेप जो है आपको क्या हो जाएगा? घट जाएगा, बढ़ जाएगा। ओके, नेक्स्ट में अगर देखते हैं तो इस टेस्टिस के अंदर अगर देखो तो आपको ये टेस्टिस कितना भाग में बटा हुआ है? लगभग ये बहुत सारा हिस्से में बटा हुआ है। इसे सेप्टा कहते हैं या ट्रेबिकुलाई के नाम से जानते हैं। लगे ये जो सेप्टा है आपको, ये जो सेप्टा आपको लगभग कितने 250 कंपार्टमेंट में आपको बटे होते हैं। प्रत्येक कंपार्टमेंट में अगर देखें तो ये जो लोब्यूल्स है यहाँ पर क्या है? ये आपको लोब्यूल्स है। इस लोब्यूल्स में देखेंगे कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है। ये आपको जो हम लोग देख रहे हैं गोलाकार जो सेल देख रहे हैं ये आपको सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल क्या होता है आपको? डैट इज यूनिट होता है टेस्टिस का। यहीं पर स्पर्म बनता है। स्पर्म को हो, स्पर्म सेल को हो या स्पर्मेटोजोन को हो, दोनों एक ही बात है। जैसे कि स्पर्मेटोजोन यहाँ से बनते हुए आपको, जब मैं आपको आगे मैं बताऊँगा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का सेक्शंस क्या होता है। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल जो है जर्मिनल इपिथिलियम से बने होते हैं। ओके, मैं वहाँ बताऊँगा कि बैडल कॉलमर सेल होते हैं विथ रिस्पेक्ट टू आपको क्या होते हैं, मेल जर्म सेल और सर्टोलाई सेल्स वगैरह प्रेजेंट होते हैं, है ना। धीरे धीरे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, स्पर्मेटिड, उसके बाद आफ्टर ऑल आपको स्पर्मेटोजोन आपको बनाते हैं। ओके, तो मैं देखूंगा इसका सेक्शंस काटूंगा। ओके, तो अब हम ये जो स्पर्म से बन करके क्या होगा, इसके थ्रू यहाँ पर चला जाएगा। इसे हम लोग क्या कहते हैं आपको, डैट इज हम लोग स्ट्रेट ट्यूब्यूल के नाम से जानते हैं। उसके बाद रेटेड टेस्टिस में चला जाएगा। ओके, तो उसके बाद रेटेड टेस्टिस के बाद आपको भाषा इफ्रेंसियम चला जाएगा। ठीक है, भाषा इफ्रेंसिया से होते हुए ये इपिडाइडमिस में पहुँचेगा। यहाँ तक का फंक्शन है कि सिर्फ संवहन करना, एक जगह से दूसरी जगह जाना। अब इस इपिडाइडमिस में देखते हैं, इपिडाइडमिस क्या है? जोड़े रखे है। इपिडाइडमिस जो है ये लैटरल हिस्सा है, पीछे का हिस्सा है, बहुत ज़बरदस्त, बहुत आपको जोड़े हुए है। ये ऊपर की ओर थोड़ा सा रहेगा। जब आप बुक में अच्छे तरीके से आप पिक्टोरियल देखोगे, डायग्राम आप देखोगे तो, और ये काफ़ी क्वाइलेड होता है, काफ़ी हाईली क्वाइलेड होता है स्ट्रक्चर। इसका जो पार्ट है अपर जो है हेड पार्ट है, बीच का मिडिल पार्ट है, नीचे टेल का हिस्सा होता है। अपर मिडिल लोअर पार्ट भी कह सकते हो, या तो कापट कापस कौडा भी कह सकते हो। तीनों को मिला करके हम लोग क्या कहते हैं आपको, इपिडाइडमिस के नाम से पुकारते हैं। अब यहाँ पर क्या होता है, जैसे ही स्पर्मेटोजोन आता है, स्पर्म तो बना सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में, यहाँ पे स्पर्म आता है तो उसको नूरिश करता है ना, आपको पोषण देता है। पोषण करने के कारण वो स्विम करे, आगे बढ़े, है ना। साथ ही साथ आपको क्या प्रोवाइड करता है, उसको रहने के लिए जगह देता है, स्टोर करने के लिए आपको, डैट इज यहाँ पर रहने के लिए वो देता है। तो इस तरीके से वहाँ पर रहता है, साथ ही साथ उसको नूरिशमेंट भी प्रोवाइड, अपने यहाँ रहने के लिए भी बोलता है और नूरिशमेंट भी देता है। उसके बाद स्पर्मेटोजोन यहाँ से निकल करके आपको क्या होते हैं, आपको ये जो ट्यूब है बहुत लंबा, सबसे बड़ा जो ट्यूब है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, इस ट्यूब को क्या कहते हैं, डैट इज हम लोग इस ट्यूब को हम लोग भाषा डिफरेंसिया के नाम से जानते हैं। एक आता है भाषा इफरेंसिया जो इपिडाइडमिस के पहले आता है, ये इपिडाइडमिस के बाद है। ये कॉडल रीजन से आपको क्या है, डैट इज जुड़ा हुआ है। ओके, यहाँ से आपको स्पर्म, बहुत सारे स्टेरियोसीलिया आपको पाए जाते हैं इसके सरफेस पर, और यहाँ पर सीलिया पाए जाते हैं भाषा इफरेंसिया पे। ओके, तो क्या करते हैं, स्पर्म्स को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाने में आपको मदद करते हैं।
कभी कभी सर्जरी इसका कर दिया जाता है, काट करके दोनों तरफ टाई कर दिया जाता है आपको जंगरोधी तार से, तो क्या हो जाता है आपको फर्टिलाइज नहीं होता है, तो आपको मेल बॉडी में आपको डैट इज आपको सर्जरी किया जाता है। उस प्रोसेस को भाषा डिफरेंशिया में हुआ तो वैसेक्टोमी के नाम से जाना जाता है। अगर इसको काटा जाता है तो क्या कहते हैं, वैसेक्टोमी पुकारा जाता है। टॉमी मीन्स क्या होता है, कट होता है। किसको काटा जाता है, भाषा डिफरेंशिया को। आगे की ओर बढ़ते हैं तो ये किसके थ्रू गिरा था, इंग्विनल कैनाल के थ्रू आपको फिटस में। आगे की ओर जैसे ही बढ़ते हैं तो अब जो है एसोसिएटेड ग्लैंड आता है। एसोसिएटेड ग्लैंड में सेमिनिफेरा, ये आपको एक बैग लाइक स्ट्रक्चर है, इसका नंबर क्या होता है जनरली दो होता है, एक राइट होता है साइड, जैसे राइट साइड कौन है, जैसे हम कोई भी फिगर को बनाते हैं तो वेंट्रली साइड बनाते हैं, तो इधर हो गया आपका राइट साइड, इधर हो गया लेफ्ट साइड। तो ये राइट आपका क्या है, सेमिनल वेसाइकल है, ये आपका लेफ्ट आपको सेमिनल वेसाइकल है। तो जो राइट जो सेमिनल वेसाइकल है तो आपको जिधर भी बन रहा होगा दोनों, जैसे एक समय में दोनों की तरफ क्या होता है, आपको क्या होता है बनते रहता है। ये ऐसा नहीं है कि सेक्सुअल इंटरकोर्स किस में बनता है, सेक्सुअल इंटरकोर्स के पहले बनता है, सिर्फ स्पर्मियोजेनेसिस प्रोसेस होती है सेक्सुअल इंटरकोर्स के समय। ओके, यानी कि स्पर्मेटिड से आपको स्पर्मेटोजोन चेंज होना। तो सेमिनल वेसाइकल में क्या होता है, यहाँ से लगभग कंटेंट 60% कंटेंट यहाँ से आउट होता है, जिसमें आपको क्या होते हैं फ्रुक्टोज का मात्रा ज़्यादा होता है, कैल्शियम का मात्रा ज़्यादा होता है, बहुत सारे एंजाइम वगैरह भी आपको पाए जाते हैं। ओके, तो जो फ्रुक्टोज है, फ्रुक्टोज सिर्फ ह्यूमन में नेचुरली सिर्फ यहीं पर बनता है। प्रोस्टाग्लैंडिन्स क्या करता है, इससे प्रोस्टाग्लैंडिन्स भी सिक्रीट होता है। प्रोस्टाग्लैंडिन्स यूटेरस का जो लेयर है उसको क्या करने में, सिकुड़ने में मदद करता है, ताकि स्पर्म आपको आगे की ओर फैलोपियन ट्यूब की ओर बढ़ पाए। इंजाइम भी पाए जाते हैं, इंजाइम में आपको बहुत सारे आपको इंजाइम पाए जाते हैं, जैसे फॉस्फेट से रिलेटेड आपको फॉस्फेटेज पाए जाते हैं, आपको स्टार्च से रिलेटेड एमाइलेज पाए जाते हैं, आपको प्रोटीन से रिलेटेड पेप्सिनोजेन पाए जाते हैं। ओके, पेप्सिन से रिलेटेड, तो ये जो सिक्रीट करते हैं, ओके, 60% आपको पूरे वॉल्यूम का निकलता है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, सेमिनल फ्लूड के नाम से जानते हैं। इससे जो भी निकलेगा कंटेंट लिक्विड उसे सेमिनल फ्लूड कहते हैं। ये जो डक्ट है, इस डक्ट को हम लोग कहते हैं डक्ट ऑफ सेमिनल वेसाइकल, क्योंकि ये ट्यूब है, इस ट्यूब के थ्रू आपको मटेरियल्स यहाँ निकल करके आएगा। अब जो दोनों कॉमन ट्यूब बनेगा इस ट्यूब को, यहाँ से लेकर के इस ट्यूब को, हम लोग कहेंगे इजैकुलेटरी डक्ट कहेंगे। क्या कहेंगे, इजैकुलेटरी डक्ट। तो मैंने नाम दिया है इजैकुलेटरी डक्ट, मैंने नाम दिया है, ओके, इजैकुलेटरी डक्ट जो है डैट इज द कॉमन पार्ट ऑफ सेमिनल वेसाइकल डक्ट एंड वास डिफरेंशिया, डैट इज कॉल्ड इजैकुलेटरी डक्ट। एंड इजैकुलेटरी डक्ट ओपन्स इनटू दैट ऑन यूरेथ्रा, व्हिच टाइप ऑफ यूरेथ्रा, दैट इज प्रोस्टैटिक यूरेथ्रा, वेयर प्रोस्टैटिक ग्लैंड इज प्रेजेंट। वहाँ पर आपको ये जो ट्यूब है इजैकुलेटरी डक्ट आपको कहाँ पर खुलेगा, प्रोस्टेट ग्लैंड के पास खुलेगा। प्रोस्टेट ग्लैंड कहाँ पर होगा, प्रोस्टैटिक यूरेथ्रा के पास होगा। ओके, इजैकुलेटरी डक्ट सबसे बड़ा ग्लैंड है, इसमें से आपको 25% आपको वॉल्यूम ये प्रोवाइड करेगा। ओके, फ्लूड ये भी देगा। तो अब देखो, सीमेन आपको स्पर्मेटोजो आ रहा था, इसके बाद ये फ्लूड दिया, तो कोई भी फ्लूड और आपको स्पर्म मिल करके अब सीमेन बन जाएगा। ओके, तब वो उसको हम लोग स्पर्म सेल नहीं कहेंगे, अब क्या कहेंगे, सीमेन कहेंगे। क्या कहेंगे, सीमेन, SEMEN के नाम से जानेंगे। तो 25 जो प्रोस्टेट ग्लैंड का जो नंबर है सिर्फ ओनली वन है। तो डैट इज ये जो है इसके अंदर क्या होता है कि ये आपको सिक्रेट करता है, बहुत सारे क्लॉटिंग फैक्टर्स आपको रिलीज करता है, साथ ही साथ फ्लेवर प्रोवाइड करता है, साथ ही साथ ये भी आपको प्रोस्टाग्लैंडिन्स भी रिलीज करता है। तो ये सब जो रिलीज करते हैं आपको किसके थ्रू होता है, डैट इज प्रोस्टेट ग्लैंड के थ्रू होता है। ओके, तो आगे की ओर जब स्पर्म बढ़ता है, जब इजैकुलेशन होता है, जब सेक्सुअल इंटरकॉर्स होती रहती है, तो आप स्पर्मी आपको स्पर्मियोजेनेसिस के दौरान स्पर्मेटिड आपको स्पर्मेटोजेन में चेंज हो जाता है, और आगे सेमिनल फ्लूइड के साथ जब आता है तो इधर से जो स्पिंक्चर्स हैं वो आपको जितने भी आपको यूरिन है उसको आपको यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर करके रखते हैं, उसको आगे आने से क्या करते हैं, रोकते हैं, यानी कि ये पैसेज बंद हो जाता है ऑटोमेटिकली। स्पिंक्चर का काम ही होता है
किसी भी ट्यूब को ओपन करना, बंद करना, मतलब कि वहाँ से कोई भी पैसेज है उसको, वहाँ से जो भी प्रोडक्ट है, पदार्थ है, उसको आने में आपको मदद करना या तो रोके रखना। तो ये रोके रखिएगा, क्लोज करके रखिएगा यूरेथ्रा स्फिंक्टर। ओके, तो ये जो है डेट इज प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा है, ये जो है यहाँ पर ये पतला होता है, मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा होता है, और ये पेनिस है, पेनिस के पास का जो यूरेथ्रा है उसे पिनाइल यूरेथ्रा के नाम से पुकारते हैं। तो डेट इज अब जो ये मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा है, उसके बाद हम लोग देखते हैं आगे की ओर बढ़ते हैं। इस पेनिस में अगर देखते हैं तो एक ग्लैंड है, एक पेयर ग्लैंड है, उस पेयर ग्लैंड को कहते हैं बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड के नाम से जानते हैं, या तो हम लोग दूसरा भाषा में आपको कॉपर ग्लैंड कहते हैं। ये जो एक पेयर होता है ये क्या करता है, आपको जैसे ही आपको सीमेन आपको बड़ी से आपको इजैकुलेट होगा, मतलब कि बाहर निकलेगा, तो उसके जस्ट पहले जेली लाइक सब्सटेंस प्रोवाइड निकलता है आपको, जेली लाइक सब्सटेंस आपको शरीर से बाहर निकलता है। ये जेली लाइक सब्सटेंस क्या कर देता है आपको पेनिस को, जिसमें भी है आपको, जैसे कि बल्बो यूरेथ्रा ग्लैंड इसमें है मेल में, फीमेल में क्या होता है बर्थोलियन ग्लैंड होता है, तो वो क्या करता है चिकना करता है सरफेस को, यहाँ पर है तो ये पेनिस को क्या करेगा सबसे पहले निकलेगा और चिकना करेगा। साथ ही साथ एक मैं व्यू कहना चाहता हूँ, जैसे ये जो है आपको इजैकुलेशन के पहले कोई कोई क्या करते हैं पेनिस को विड्रॉ कर लेते हैं, तो जिससे कई कारण सोचते हैं कि फर्टिलाइजेशन नहीं होगी, लेकिन फर्टिलाइजेशन हो जाती है। तो फर्टिलाइजेशन यानी कि रेट जो है फेल्योर क्यों हो जाती है, क्योंकि आपको जो ये जो स्मूथनेस प्रोवाइड किया तो उसमें नंबर ऑफ बहुत कम मात्रा में आपको जो होते हैं आपको मतलब कि स्पर्म सेल्स पाए जाते हैं, इसीलिए आपको क्या होती है फेल्योर हो जाती है। क्या फेल्योर हो जाती है आपको, फर्टिलाइजेशन फेल्योर हो जाती है। तो उसके बाद आगे की ओर मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा के बाद आगे की ओर जो यूरेथ्रा रहेगा, इस यूरेथ्रा को हम लोग क्या पुकारेंगे डेट इज पिनाइल यूरेथ्रा कहेंगे। क्या कहेंगे पिनाइल यूरेथ्रा, पेनिस के यूरेथ्रा को क्या कहेंगे डेट इज पिनाइल यूरेथ्रा। यूरेथ्रा जो है स्मॉलेस्ट ट्यूब है आपको यूरिनरी आपको डेट इज एक्सक्रीटरी सिस्टम का। ओके, तो इससे एक्सक्रीटरा भी रिलीज होता है, आपको सीमेन भी आउट होता है, डेट इज वन पैसेज थ्रू टू सब्सटेंस आर रिलीज आउट इन ह्यूमन मेल। ओके, हमें इसे जानना है कि ह्यूमन मेल में इसके थ्रू दो सब्सटेंस आपको रिलीज होते हैं, एक तो यूरिन बाहर निकलते हैं मिक्टोरेशन प्रोसेस के थ्रू, यूरिनेशन प्रोसेस के थ्रू। ओके, अब आगे की ओर बढ़ते हैं। तो ये जो पेनिस है, ये पेनिस ये बाहर से जो हम लोग जो देख रहे हैं ये डैट इज पेनिस है, स्ट्रक्चर्स ये आपको डैट इज स्किन है, इस स्किन को क्या कहा जाता है पेनिस के नाम से पुकारा जाता है। इस पेनिस में ना तो कोई भी बोन आपको पाए नहीं जाते हैं, इसमें जनरली थ्री मासेस आपको क्या पाए जाते हैं, आपको थ्री मासेस पाए जाते हैं, जो आपको कार्पोरा कैवर्नोसा होता है, कार्पोरा स्पॉन्जियोसम होता है, दो आपको कार्पोरा स्पॉन्जियोसम होते हैं, एक कार्पोरा कैवर्नोसा होता है। कार्पोरा कैवर्नोसा में ही आपको क्या होता है उपस्थित आपको डैट इज ये आपको यूरेथ्रा उसी के थ्रू आते हुए रहता है, और साइड में क्या होता है आपको डैट इज ये जो होते हैं आपको कार्पोरा आपको स्पॉन्जियोसम होते हैं। ओके, तो स्पॉन्जियोसम और इसमें देखते हैं तो क्या होते हैं कि जब आपको क्या होते हैं सेक्सुअल इंटरकोर्स होती है यानी कि रिलेशन बनती है मेल और फीमेल के साथ, तो सेक्सुअल इंटरकोर्स को हम बात बता देते हैं। सेक्सुअल इंटरकोर्स को दूसरी भाषा में हम लोग क्या कहते हैं, दूसरी हम लोग दूसरी मतलब कि दूसरी वर्ड में क्या कह सकते हैं, कोइटस भी कहते हैं, कॉपुलेशन भी कहते हैं, कॉपुलेशन। ओके, कॉपुलेशन, कोइटस, सेक्सुअल इंटरकोर्स हिंदी में संभोग कहते हैं। तो क्या है कि इसमें सबसे पहले तीन प्रोसेस होती है, सबसे पहले इसमें ब्लड भर जाती है तो ये क्या हो जाता है, ये इलोंगेट हो जाता है पहले से। उसके बाद क्या होता है आपको जो प्रोसेस है सेक्सुअल इंटरकोर्स वो होगा, उसके बाद क्या है जैसे जैसे ब्लड फिर क्या हो जाता है आपको खाली हो जाता है, ब्लड आपको जैसे जैसे ब्लैंक हो जाता है आपको फिर से हटने लगता है ब्लड वेसल्स। ओके, जब कार्पोरा कैवर्नोसा स्पॉन्जियोसम में आपको साइनेसिस में जो है आपको ब्लड रिलीफ होने लगती है, तो इसके कारण फिर आपको क्या होती है पेनिस लूज होने लगती है। आगे की ओर बढ़ते हैं तो इसके अंदर जो है पार्ट यहाँ पर बहुत सारे आपको लाइनिंग देखने को मिलते हैं, जहाँ पर बहुत सारे सेल्स वगैरह पाए जाते हैं, और वो सेल्स में आपको एपिथीलियम टिश्यूज़ वगैरह होते हैं।
तो ये लाइनिंग बहुत सारा है किया हुआ, तो लाइनिंग फंक्शन सी है, कौन से वहाँ पर टिश्यू है, एपिथेलियम टिश्यू होंगे और ऊपर में क्या होते हैं, डैट इज बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड होते हैं। इसके नीचे की ओर चलते हैं तो ये जो है नीचे की ओर क्या होता है, जो स्पॉन्जियोसम वाला जो हिस्सा है कार्पोरा स्पॉन्जियोसम, ये धीरे धीरे नीचे की ओर लार्ज हो जाता है, इनलार्ज हो जाता है, जनरली इनलार्ज हो जाने के कारण इस तरीका का शेप होता है। और जो ऊपर जो कवर्ड है यहीं तक ये पूरा फिक्स्ड होता है, यहाँ तक जहाँ तक इनलार्ज होता है आपको ग्लांस पेनिस, वहाँ तक क्या होता है आपको ऊपर का जो स्किन है डैट इज़ यानी कि जो प्रीप्यूस है ना, ये फिक्स्ड होता है इधर से अगर कहे तो, प्रीप्यूस फोर स्किन, अगर इसको फोल्ड करें तो क्या होगा कि यहीं तक होगा। आपको इन मुस्लिम्स रिलीजन में क्या की जाती है, आपको इसको कट कर दी जाती है इन्फेक्शन से बचने के लिए, ओके, क्योंकि यहाँ पर क्या होते हैं आपको डैट इज जब इनसेमिनेशन की जाती है, डिपॉजिट की जाती है, आपको जमा की जाती है आपको फीमेल वजाइना में, तो आपको यहाँ पर स्पर्म्स कुछ आकर के, कुछ सीमेन आकर के जमा हो जाते हैं, बाद में आपको धीरे धीरे डिस्ट्रॉय होकर के आपको इन्फेक्शंस, आपको बहुत सारे बैक्टीरियल इन्फेक्शंस, वायरल इन्फेक्शंस आपको क्रिएट करते हैं, ओके। तो ये जो आपको जो ये स्किन है, इस स्किन को क्या कहेंगे, प्रीप्यूस के नाम से जानेंगे, उसे हम लोग फोर स्किन के भी नाम से पुकारेंगे, ओके। तो मैंने ये बताया आपको, डैट इज हमने आपको बताया आपको मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में इस तरीके से डायग्राम मैंने बताया। अब जब इजैकुलेशन हो जाएगी तो आपको सीमेन डैट इज आउट होगा, उसके बाद ये पैसेज फिर से स्पिंचर ओपन होगा, आपको यूरिन को क्या करेगा, पास आउट करेगा। इन मेल में क्या होता है, वंस टाइम में दोनों तरफ से आपको क्या होगा, यानी कि दोनों टेस्टिस में आपको क्या है, दोनों टेस्टिस के तरफ से आपको भास डिफरेंशिया के थ्रू क्या है कि आपको स्पर्म्स आएंगे, यानी कि स्पर्मेटोजुआ आएगा, और ग्लैंड को लेकर के दोनों तरफ यानी कि मिलकर के वॉल्यूम आपको 3-4 ड्रॉप्स आपको क्या करेंगे, आपको सीमेन का प्रोडक्शंस करेंगे। टेस्टिस का अगर साइज देखें, डायमेंशन देखें टेस्टिस का साइज, तो आपको 5 लेंथ होता है, आपको 3.5 आपको ब्रॉडनेस होता है और इसका थिकनेस 3 होता है, ओके। यहाँ किसी किसी कंटेंट में 2.5 रहता है इनटू आपको 2 रहता है, ओके। तो ये जो है सेंटीमीटर क्यू के फॉर्म में हो जाएगा, डैट इज। अगर नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं, स्क्रॉटम का टेम्परेचर जो है आपको जनरली 2-2.5 डिग्री सेल्सियस आपको जनरली कम होता है पूरे बॉडी टेम्परेचर से, क्योंकि टेम्परेचर जब उसके अलॉन्ग आ जाएगी तो क्या होगा आपको, डैट इज जो प्रोसेस है इनसेमिनेशन का, मतलब कि इजैकुलेशन का, स्पर्म जो फॉर्मेशन का, स्पर्मेटोजेनेसिस का, वो हो जाएगी। इसीलिए जो टेम्परेचर है ये स्क्रॉटम का पूरे बॉडी से आपको क्या होती है, आपको 2-2.5 डिग्री सेल्सियस आपको लो होती है। डिग्री सेल्सियस की मैं बात कर रहा हूँ, फारेनहाइट की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, ओके। तो नेक्स्ट मैंने ये आपको बताया, आपको मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में टेस्टिस के अलॉन्ग बताया, मैंने बताया था मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में 3 भाग रखते हैं, एक प्राइमरी सेक्स ऑर्गन टेस्टिस के बारे में मैंने जनरली बताया, उसके बाद सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन के बारे में मैंने बताया, और उसके बाद एक्सटर्नल जेनिटेलिया पेनिस के बारे में मैंने आपको बताया, ओके। तो एक बात और, पेनिस में वेन वगैरह, आर्टरी वगैरह ये सब भी आपको पाए जाते हैं, ओके। तो इस तरीके से मैंने आपको बताया आज आपको मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ओके। मैं अगले कंटेंट में आपको बताऊंगा, आपको सेक्शंस काट करके बताऊंगा आपको सेमिनिफेरस ट्रिब्यूल्स का, और उसमें मैं बताऊंगा किस तरीके से आपको स्पर्म सेल्स का फॉर्मेशन होता है, किस तरीके से वो नोरिस लेते हैं, किस तरीका का लेयरिंग होता है, किस कहाँ पर इंटरस्टिशियल सेल्स वगैरह होते हैं, कहाँ पर ब्लड वेसल्स वगैरह होते हैं, जनरली मैं बताऊँगा किस तरीके से स्ट्रक्चर उसका होता है। तो हमें आप देखने के लिए बने रहिए, और जो नए नए व्यूअर्स से सब्सक्राइब कीजिए और लाइक करना ना भूलें, थैंक यू।